अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्कोप साइंस एकेडमी आपको वेलकम करते हैं। और आज हम इस्लामियात के टॉप 10 पीपीएससी एफपीएससी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जिसके एमसीक्यूज नंबर 1 है कि सिहाए सत्ता आर डैश बुक्स ऑफ हदीस। तो 6 बुक्स हैं हदीस की, ये हदीस की 6 किताबें हैं जिन्हें सिहा सत्ता कहा जाता है। ईद प्रेयर इज़, ईद नमाज जो है हर मुसलमान पर वाजिब कर दी गई है, फ़र्ज़ सुन्नत मुस्तहब नहीं बल्कि वाजिब है। इसके बाद हज़रत अली वाज़ मार्टायर्ड, हज़रत अली को मस्जिद में 40 हिजरी में शहीद किया गया था। तो हज़रत अली नमाज़ पढ़ रहे थे जब उनको 40 हिजरी में शहीद किया गया था। इसके बाद हम आते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट। तो पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा गया है, सऊदी अरेबिया या सायरा फ़लस्तीन या इराक़? तो फ़लस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा गया है। तो अल हदेबिया ट्रीटी वाज सब्सक्राइब्ड बाय, ये सुलह हदेबिया किसने लिखी थी? तो ये सुलह हदेबिया अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लिखी थी सुलह हदेबिया। द एंगल हु डिलीवर मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम अल्लाह वाज, तो अल्लाह के पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़रत जिब्राईल अलैहि सलाम लेकर आते थे, और इस पैगाम को वही कहा जाता है। वट वाज़ द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माईल एंड प्रॉफिट इसहाक, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक के दरमियान क्या रिलेशन था? तो ये दोनों पैगंबर आपस में भाई थे। प्रॉफिट मोहम्मद लिव इन मदीना फ़ोर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे थे। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना में क़याम फरमाया था। केव हीरा इज़िंदा, जो गार हीरा है ये अन्नूर माउंटेन्स में पाई जाती है, अन्नूर जो पहाड़ हैं वहाँ पर ये गार हीरा मौजूद है। नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो बेटी हज़रत उमर फारूक की बेटी हफ्स